नमस्कार दोस्तों, मैं सिवान सुसरो टेक फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरे पास में यहाँ पे पोको F1 और यहाँ पे है मेरे पास में ऑक्सीजन OS वन प्लस का OS 6 के बेस्ट पे Beta 25 KT मोड। जी हाँ दोस्तों, ये KT मोड वाला जो सो ऑक्सीजन OS मोडेड है और ये जो सो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड रोम है। सच्ची बताओ तो बहुत तगड़ा वाला है ये, क्योंकि ऑक्सीजन OS जो सो हमारा Beta 24 था, जो हमारे ऑफिशियल डेवलपर है उन्होंने जो सो डेवलप किया था, तो उसके परफॉर्मेंस और इसमें काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम आप देख लीजिए कि ये भी जैसे आपको एंड्रॉइड पाई पे ही बेस्ड ऑन मिलता है, एंड्रॉइड 10 नहीं अभी भी फिलहाल, ये जैसे एंड्रॉइड पाई ही आपको मिलेगा यहाँ पे अभी फिलहाल, ठीक है। और गेस्चर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। वॉल्यूम आपको जैसे राइट साइड में मिल रहा है, आप देख लीजिए अमोंग में जैसे मिलता है उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी वॉल्यूम जैसे वॉल्यूम की राइट साइड कर दिया गया लेफ्ट के बजाय। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हमें आदत है राइट साइड का, तो राइट साइड में रहता है तो काफ़ी सही रहता है। इसके अलावा अगर हम सबसे पहले N22 बेंचमार्क्स की बात करते हैं दोस्तों, आपको जो N22 बेंचमार्क्स मिलता है यहाँ पे 2,89,000, तो आप देख सकते हैं व्हाट इज दैट। ओके सो N22 बेंचमार्क दोबारा से स्टार्ट हो गया था। हाँ तो 2,89,000 अभी भी जस्ट मैंने चेक किया था ये N22 बेंचमार्क्स, और आप देख लीजिए आपको ये जो सो 3 लाख में थोड़ा सा ही कम मिल रहा है, जबकि आपको ये सो अलग से मॉडरेट कर्नल डालने के बाद में 3 लाख के अकॉर्डिंग पहुंच पाता है। तो आपको 2 लाख और हमारे जो स्टॉक एंड्रॉयड है, स्टॉक MIUI है, उसके अंदर में भी हमें 2,70,000 मिलता है। तो इस तरीके से अगर मैं देखता हूँ परफॉर्मेंस बेस, तो काफ़ी अच्छा खासा ये स्कोर है हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा इसके अंदर में जो सो मुझे कुछ जो चीज़ें फ्लोज भी लगा, कुछ चीज़ें अभी जो सो फिलहाल उसको फिक्स करना भी ज़रूरी है, तो ये भी लगा। वैसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मॉडरेट, इसके अंदर में आपको वन प्लस का कैमरा नहीं मिलता है, आपको इसको गूगल कैम इंटीग्रेट करके दिया गया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर रहे बिना भी डायरेक्टली आप इंस्टॉल इमेज क्लिक कर सकते हैं, आपको कोई झंझट झमेला नहीं है आपको अलग से इंस्टॉल करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सो एक और चीज़ आ जाता है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप जैसे ही इसमें अलग से कोई दूसरा गूगल कैम का APK इंस्टॉल करना चाहेंगे, तो सेम एज पिक्सल एक्सपीरियंस रोम आपको यहाँ पे भी गूगल कैम इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। वो जो सो हमें एरर शो कर देता है, क्योंकि इसके अंदर में ऑलरेडी गूगल कैम जो सो इंस्टॉल्ड है, जो कि पुराना वर्जन अगर हो गया, अगर आप नया वर्जन डालना चाहते हैं जिसका ES वगैरह काफ़ी से वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक दो और चीज़ें भी प्रॉब्लम है, वो है हमारे पास में सेटअप विजार्ड। दोस्तों जब भी आप रोम फ्लैश करते हैं तो आपके पास में अगर सेटअप विजार्ड आता है, तो आप अपना ईमेल आईडी डालने के बाद में आप सारा कुछ जो है सो रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर लीजिएगा जो कि आपने ऑलरेडी पुराने बैकअप लिए थे उसमें से। लेकिन यहाँ पर आपको सेटअप विजार्ड नहीं मिलता है, तो आप जो है सो उसको रिकवर नहीं कर सकते, ये थोड़ी बहुत दिक्कत है। इसके अलावा अगर हम बात करें CPU थ्रॉटलिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर CPU थ्रॉटल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और ये देखिए, तो मैंने CPU थ्रॉटल जो सो 3 मिनट का चेक किया था, आप देख सकते हैं CPU थ्रॉटलिंग में जो सो हमें 2.8 GHz, मतलब ये जो कर्नल है वो काफ़ी तगड़ा है, 2.8 GHz वाला आपको जो सो क्लॉक बेस दे रहा है मैक्सिमम क्लॉक, और ये काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि जो सो हमारे पास में और भी रोम्स है जिसको मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है थर्मल में, तो वहाँ पर जो सो मुझे 2 GHz या फिर 2.2 या फिर 2.3 GHz तक में स्पीड अप मिला है। और यहाँ पर मैं इसे मैनुअल फोकस कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, यप। हाँ तो दोस्तों ये है इस रोम के बारे में। इसके अलावा चलिए मैं आपको फटाफट से इंटरनल और भी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो सो हमारे पास में इसके सेटिंग पैनल देखने को मिल जाता है आपको, जो सेम एज जितने भी वन प्लस के जो रोम है उसके सेटिंग पैनल है वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको जो डार्क थीम भी डायरेक्टली मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए, और ये नाइट मोड भी है। नाइट मोड के अलावा आप जो सो डार्क थीम में जा सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको डायरेक्टली मिल जाता है। जेन मोड जो सो फिक्स कर दिया गया, और आप जो सो उसको जेन मोड को आराम से यूज कर सकते हैं, और बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही आसानी से यूजेबल हो रहा है, ठीक है। ग्रे स्केल भी है, OTG है, OTG वैसे अब डायरेक्टली काम कर रहा है, बिना OTG में आपको कनेक्ट कीजिएगा आपका OTG डायरेक्टली वर्क कर जाएगा, कोई आपको OTG के अंदर में जाकर के इसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले के अंदर आएंगे तो आपको जो डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे मिल जाएगा थीम, जिसके अंदर में आपको लाइट, डार्क और कलरफुल तीनों मिल जाता है। तो जिसमें आप डार्क पे अगर क्लिक करते हैं तो आपका जो थीम पूरा का पूरा डार्क थीम हो जाएगा, और ये जो सिस्टम वाइज डार्क होगा। हालांकि जो ऐप डार्क थीम को सपोर्ट नहीं करता वो आपको वहाँ पर भी डार्क थीम में सपोर्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसके अलावा गेसर जो आपको वन प्लस वाला ही गेसर मिलता है, लेकिन आप जैसे इसमें और भी कोई भी गेसर यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास में पायरोम का जो गेसर है वो भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में जो पायरोम
डोम वाला गेस्चर है वो भी आप यहाँ पे आराम से आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। हालांकि ये जो रोम आपको बेसिकली बस आपको बीटा 24 जो था ऑक्सीजन ओएस उसी का जो एक अपग्रेडेड वर्जन है, और ये जो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है, सच्ची बताऊँ तो अगर आपको गेमिंग करना है, गेम खेलना है, परफॉर्मेंस से बात करनी है, तो आप जो सो ये रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। हालाँकि मैं ये रोम प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर में आपको सेटअप विजार्ड नहीं मिलता, और सेटअप विजार्ड नहीं मिलता है तो काफ़ी लोगों को जो सो रीस्टोर करने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि रीस्टोर करना जैसे अपने रोम एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे भी अगर सेटअप विजार्ड आ जाता है तो हमारे पास में काफ़ी काम का चीज़ हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने सो वोल्टी वगैरह टेस्ट किया है, यहाँ पे सो हमारे पास में आइडिया का सिम काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जियो का सिम अच्छे से वर्क कर रहा है, जियो का नेटवर्क भी चल रहा है, यहाँ पे प्ले स्टोर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सो कुछ फेसबुक और ये पबजी वगैरह भी डाउनलोड कर लिया है, पबजी में भी मैंने थोड़ा सा ओपन करके देखा था, आपको जो सो गेमिंग मोड मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके गेमिंग मोड में भी आपको फैनेटिक मोड मिल जाता है, यहाँ पर आप इसको भी आराम से यूज कर सकते हैं एज अ डेली ड्राइवर, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो सो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ इस रोम को इसके इंस्टॉल कैसे करना है। हालांकि यहाँ पे जो सो जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें दिया हुआ है कि जो सो फोर वाइप का मतलब क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो सो रोम का ओवरव्यू ऑल ओवर जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको फटाफट से इसको इंस्टॉलेशन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसे यहाँ पे पावर ऑफ़ कर देना है अपने फ़ोन को, तो ये देखिए मैं इसे पावर ऑफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। और पावर ऑफ़ करते ही हमें जो पावर बटन वॉल्यूम अप की को एक साथ में दबा के रखना है, या तो अभी जो हमारा फ़ोन रिबूट हो जाएगा रिकवरी मोड में, ये देखिए। और आप जैसे ये कोई भी रिकवरी यूज कर सकते हैं, ऑरेंज बॉक्स कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉक रिकवरी कोई भी रिकवरी सॉरी स्टॉक नहीं TWRP का जो स्टॉक है वो वाला रिकवरी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिशियल TWRP, ठीक है। इसके बाद में आपको आना है वाइप में, वाइप में आने के बाद एडवांस वाइप में आना है, और फोर वाइप जो दिया हुआ है फोर वाइप का मतलब होता है डेल्विक कैश हो गया हमारा सिस्टम डेटा और कैश, ये चार चीज़ों को वाइप करना होता है जिसको बोला जाता है फोर वाइप। आपको जहाँ भी देखने को मिले वो आपको समझ जाना चाहिए कि आप जैसे इन चीज़ों को बोला जा रहा है वाइप करने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम जो स्वाइप टू वाइप कर दे रहे हैं, ओके। और दोस्तों इसके बाद में जो इंस्टॉलेशन का ज़्यादा कुछ प्रोसेस वहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो मैं आपको जो थोड़ा सा ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो लेटेस्ट वाला जो फ्रेमवेयर है वो भी आप फ्लैश कर ले तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे पिछले दफ़ा जो बूटअप किया था तो उस टाइम में मैंने फ्रेमवर्क और वेंडर और जो पैच है हमारा वेंडर पैच है वो सब कुछ एक साथ में इंस्टॉल किया था, फ्लैश किया था, और उसके बाद मैं बूट किया तो हमारा फ़ोन जो बहुत अच्छे तरीके से बूट हो गया था। तो यहाँ पर मैं अभी फटाफट से 10.3.7 वाला मतलब लेटेस्ट जो स्टेबल फ्रेमवर्क है फ्रेमवेयर तो उसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर फ्लैश, ओके। तो यहाँ पर हमारा फ्रेमवेयर जो फ्लैश हो चुका है आप देख सकते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है जो हमारा फ्लैश करने का है वेंडर पैच सॉरी, तो ये जो हमने अभी वेंडर ही फ्लैश किया था फ्रेमवेयर वेंडर, तो इसके बाद में हम वेंडर पैच फ्लैश कर दिए। अब जो हमें जाकर के इसके रोम फाइल को फ्लैश कर देना है, तो ये रहा हमारा KT मल्टी दिस, तो इसको हमें कर देना है स्वैप टू इंस्टॉल, और ये थोड़ा सा इंस्टॉलेशन होने में टाइम लेगा, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा रोम फाइल भी फ्लैश हो चुका है आप देख सकते हैं। और इसके बाद में हमें क्या करना है DFE मतलब ये जो हमारा डिसेबल फोर्स इंस्क्रिप्शन है उसको जो हम फ्लैश कर लेंगे, तो ये रहा हमारा डिसेबल फोर्स इंस्क्रिप्शन, तो जस्ट इसको जो हम फ्लैश कर लेते हैं। और रोम फ्लैश करने के बाद भी यार वेंडर पैच जो मैं फ्लैश किया था आई थॉट, देखो ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत भी करो, लेकिन मैंने जिस हिसाब से पिछली दफ़ा फ्लैश किया था वही चीज़ें यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पहले से पता कर लेना चाहिए था ये सारा कुछ, इसके बाद में बताना चाहिए था, ठीक है, नो डाउट आपका बहुत कहना सही है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने सभी फोरम पे पढ़ा है तो वहाँ पे हर जगह पे बस यही था कि फोर वाइप देन फ्लैश रोम एंड फ्लैश DFE एंड रिबूट, ओके। सो मेरा जो बूटअप नहीं हुआ था तो इस वजह से मैंने जो वेंडर भी फ्लैश किया वेंडर इसको, तो चलिए अभी जो हम रिबूट कर लेंगे और जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे जैसे हमारा फ़ोन बूटअप हो जाता है नए रोम के साथ, ओके। और ये टू टाइम जब भी बूटअप हो तो आप समझ जाओ कि ठीक है चल रहा है बूट हो रहा है, और थ्री टाइम हो जाए तो समझ लो कि आपका जो सो कोई दिक्कत हो रखा है वेंडर वगैरह का और आपका फ़ोन जो सो बूट नहीं होगा, इसके लिए आपको जो सो फिर से दोबारा फ्लैश वगैरह करना होगा वेंडर वगैरह, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फाइल बूट, ओके।
तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारा फ़ोन बूट अप हो चुका है बिल्कुल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट भी फिनिश हो गया, सब कुछ हो गया। और मैं इसी की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको जो सेटअप विजार्ड तो दूसरे में भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ आपको एक जो सो सेटअप करने के लिए, बैकअप रिस्टोर करने के लिए आ जाता था दूसरे वाले में, 24 वाले बीटा में, ठीक है, जो ऑफिशियल बीटा वगैरह है। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो सबसे पहला बग हमें ये मिला। और दूसरा जो आपको देखने को मिल जाता है यही गूगल कैम जो हमारे पास में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये चीज़ें। इसके अलावा आपको जो सो ऑडियो वगैरह का मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको इसके लिए कोई दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है। जेन मोड यहाँ पर आपको मिल जाता है, लेकिन ये जेन मोड में जाने के बाद में आप जो सो कुछ और नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसके में अंदर नहीं जाना चाहता, ठीक है। और चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अबाउट फ़ोन, ये रहा हमारे पास में अबाउट फ़ोन। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट जी हाँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मैं रोजाना आपके लिए इसी तरह से नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।